A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain one word substitution state 2 taken from R.S. Agarwal's new objective general English. So let's get started. और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सभी क्लासेस जो मैं YouTube पे ले रहा हूं, पहले ले चुका हूं, उनका PDF आपको Apex Institute छपरा ऐप के फ्री मटेरियल में मिल जाएगा. आप ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा. लॉगिन कर लें और थ्री लाइनिंग को टच करें. लेफ्ट टॉप कॉर्नर में थ्री लाइनिंग मिलेंगे, टच करेंगे तो आपको नीचे फ्री मटेरियल मिलेगा, उसे टच करें, सारे PDFs आपको वहां मिल जाएंगे. आइए शुरू करते हैं आज का क्लास. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेट टू का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टिक टू हिज गन्स. यह idiom है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. वन वर्ड में जवाब भी नहीं देना है इसका, यानी आप इसे idiom मान करके और आंसर दें. वास्तव में यह होता है स्टिक टू वंस गन्स, अपने सिद्धांत पर डटे रहना. अपने सिद्धांत पर, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, अपने सिद्धांत पर डटे रहना, कायम रहना. अपने सिद्धांत पर कायम रहना. स्टैंड बाय हिज ट्रूथ, मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, मेंटेन हिज वीपन्स, मेंटेन हिज एंगर. तो आंसर बी होगा, अपने सिद्धांत पर कायम रहना. बेसिकली आप याद करें, स्टिक टू वंस गन्स. यह जो आप हिज देख रहे हैं डिटर्मिनर है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज होता रहता है. वंस चेंज होकर के माई हो सकता है, योर हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है. तो आंसर वन का बी होगा. क्वेश्चन नंबर टू, एट सी, इसका आपको मीनिंग बताना है. और एट सी के लिए चार ऑप्शन है, ए जर्नी, बी एट ए लॉस, सी सरप्राइज एंड डी सैड. आंसर दे आप लोग. क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश न्यू बुक के सॉल्यूशन में आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सेट टू में फर्स्ट क्लास चल रहा है. एट सी मीन्स होता है सुविधा की स्थिति में, कॉम्प्लीटली लॉस्ट और डीपली कंफ्यूज्ड, यानी ऐसी स्थिति जिसमें समझ में नहीं आता है कि अब आगे क्या करें. कॉम्प्लीटली लॉस्ट एंड डीपली कंफ्यूज्ड, क्या करें समझ में नहीं आना, इसे हम एट ए लॉस भी कहते हैं, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना. तो एट ए लॉस आंसर होगा, टू का आंसर बी. क्वेश्चन नंबर थ्री, वन हु इज 80 years old, वन हु इज 80 years old के लिए चार ऑप्शन है, ए सेप्टुआजेनेरियन, बी सेक्सागेनेरियन, सी नोनागेनेरियन एंड डी ऑक्टोजेनेरियन. आंसर देंगे आप. वन हु इज 80 years old, ऐसे क्वेश्चन याद करना बहुत ही इजी है. सेप्टुआ आत को व्यक्त करता है, सेक्सा ए को, नोना नौ को, और ऑक्टा आठ को. अब आप इजीली याद करें, सेप्टुआजेनेरियन अ पर्सन हु इज बिटवीन 17 to 79, सेक्सागेनेरियन 60 to 69, नोनागेनेरियन 90 to 99, ऑक्टागेनेरियन 80 to 89. अब आप बताएंगे वह व्यक्ति जो 100 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए. यहां थ्री का आंसर 80 इयर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए डी होगा. क्वेश्चन नंबर फोर, अ
A shady, fertile place in the desert. मरुस्थल का वह स्थान जो छायादार हो और उपजाऊ हो. मरुस्थल का वह जगह जहाँ पेड़ पौधे हों और जहाँ फसल उपज सकें, उसे क्या कहते हैं? ए ओएसिस, बी मोटेल, सी ऑर्किड एंड डी गार्डन. आंसर देंगे आप. और पहले हम आ जाएं उस प्रश्न पर जो मैंने आपसे पूछा था कि 100 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं. तो इसे हम कहते हैं सेंटेनेरियन. 100 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को हम कहते हैं सेंटेनेरियन. याद करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ओएसिस मरुद्वीप, इसे हम मरुद्यान भी कहते हैं, यानी मरुस्थल का वह जगह जहां उद्यान है, बगीचा है, यानी पेड़ पौधे हैं, और बगीचा है मतलब वो फर्टाइल है, तब तो वहां बगीचा है. फर्टाइल वो लैंड नहीं होता तो बगीचा वहां फलता फूलता नहीं. मोटेल को आप ढाबा कह सकते हैं. हाईवे के किनारे जो होटल्स होते हैं उन्हें हम मोटेल कहते हैं, ढाबा. ऑर्किड फलों का बाग, पहले भी चर्चा हो चुकी है. और गार्डन बगीचा, हर तरह का पौधा हो तो उसे गार्डन कहें, केवल केवल फल के पेड़ हो तो उसे आप ऑर्किड कहें. तो आंसर 4 का ये होगा. क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, वह स्थान जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, आप कह सकते हैं पाला जाता है. ए अपियरी, बी नर्सरी, सी अवियरी एंड डी कैनल. ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बस इसमें मेंशन नहीं किया गया है समय बचाने के लिए. सीजीएल में पूछा है, स्टेनोग्राफर में पूछा है, एसएससी में पूछा है, एलडीसी में, बैंकिंग में, हर एग्जामिनेशन में, एलआईसी डबल एओ में, जुडिशियरी एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में ये पूछे हुए वर्ड्स हैं सभी. अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट. अपियरी मीन्स होता है मधु वाटिका. मधु पालन केंद्र को हम अपियरी कहते हैं. आंसर ए होगा. मधु वाटिका तो ठीक है, आप इसे मधु पालन केंद्र भी कह सकते हैं. मधु पालन केंद्र, नर्सरी पौधाशाला, नर्सरी पौधाशाला, अवियरी पक्षीशाला, जहां पक्षियों को रखा जाता है उसे अवियरी कहते हैं, और केनल कुत्ता घर, यानी कुत्ता के रहने का घर केनल कहलाता है. तो 5 का आंसर ये होगा. क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, पे अटेंशन का आप मीनिंग बताएं. ए रिपेयर, बी हीड, सी ग्लैंस एट एंड डी ओवरलुक. आपको पे अटेंशन का मीनिंग बताना है. इसके लिए 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. ए रिपेयर, बी हीड, सी ग्लैंस एट एंड डी ओवरलुक. पे अटेंशन एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है ध्यान देना. पे अटेंशन यानी ध्यान देना, रिपेयर मरम्मत करना, रिपेयर मरम्मत करना, हीड ध्यान देना, ग्लैंस एट नजर डालना, ओवरलुक उपेक्षा करना, महतिया देना. तो पे अटेंशन के लिए हम हीड आंसर सेलेक्ट करेंगे. और आपको मैं बताऊं कि हीड नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, तो पे अटेंशन के जगह आप पे हीड का प्रयोग कर सकते हैं. दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि इन दोनों के बाद प्रेपोजिशन का यूज करना हो तो हम टू लगाएंगे, पे अटेंशन टू एंड पे हीड टू. तो आंसर 6 का बी होगा. क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, वह व्यक्ति जो भोग विलास ऐशो आराम पर अपने पैसे को बर्बाद करता है, उसे क्या कहते हैं? ए लग्जरियंट, बी स्टिंजी, सी लग्जरियस एंड डी एक्स्ट्रावागेंट. लग्जरियंट मीन्स विलासी,
भोगी, फलप्रद और लग्जरियंट मीन्स भरपूर भी होता है, विपुल भी होता है, विपुल भरा हुआ, विपुल। एस्टिंजी मीन्स कंजूस होता है, लग्जरियस मीन्स आरामदायक होता है, विलासी होता है। लेकिन जो भोग विलास या ऐशो आराम पर पैसे बर्बाद करता है उसे हम एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं। तो आंसर 7 का डी होगा, एक्स्ट्रावैगेंट। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु इज रैदर फास्टिडस, वन हु इज रैदर फास्टिडस, आंसर क्या होगा? ए टेम्पेस्टुअस, बी मेटिक्यूलस, सी केयरफ्री एंड डी पंक्चुअल। वन हु इज रैदर फास्टिडस, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि फास्टिडस किसे कहते हैं। फास्टिडस का हिंदी डिक्शनरी और इंग्लिश डिक्शनरी में आप देखेंगे तो मतांतर मिलेगा आपको। हिंदी डिक्शनरी कहता है तनक मिजाज, तनक मिजाज उसे कहते हैं जो गुस्सा जल्दी करे, दुराग्रही भी कहेंगे हिंदी में। तो हार्ड टू प्लीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है वन हु इज हार्ड टू प्लीज, तो वहां भी हमें फास्टिडस लिखना होता है। अब फास्टिडस का पॉजिटिव सेंस में क्या यूज है मैं आपको बताऊं, वह जो किसी चीज का बहुत ज्यादा केयर करता है, बहुत ही अधिक केयर जो करता है, और इतना ज्यादा केयर कि वो चाहता है कि ये चीज संपूर्णता को पाए, क्वालिटी के उत्तम बिंदु तक पहुंचे, ऐसी चाहत रखने वाला व्यक्ति फास्टिडस कहलाता है। तो टेम्पेस्टुअस मीन्स होता है तूफानी, मेटिक्यूलस अति सावधान, फास्टिडस मीन्स भी होता है अति सावधान, इसलिए आंसर बी होगा। केयर फ्री लापरवाह, केयर फ्री को आप गुड सेंस में लेंगे तो इसका अर्थ चिंता मुक्त भी होता है, और पंक्चुअल समयनिष्ठ, तो 8 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी, सरकार की या राजनीतिक दल का रिटन डिक्लेरेशन, लिखित घोषणा को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ए डॉक्यूमेंट, बी मैनिफेस्टो, सी एफिडेविट एंड डी डॉजियर। तो आप जानते हैं डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज होता है, जिसे आप पेपर्स कह सकते हैं। पेपर मीन्स तो कागज होता है, लेकिन पेपर्स मीन्स दस्तावेज होता है। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, इसका वन वर्ड मैनिफेस्टो होता है। एफिडेविट शपथ पत्र एंड डॉजियर फाइल, डॉजियर फाइल जो किसी का डिटेल्स कॉन्टेन करता है उसे हम डॉजिया कहते हैं। 9 का आंसर भी होगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्ड स्पेसिस वॉज इनएक्सेसिबल, ये जो बोल्ड वर्ड है इनएक्सेसिबल, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ए बी सी डी चार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, कौन एक्सप्लेनेशन करेक्ट है आप कॉमेंट करके बताएं। इसे समझाने के लिए बताया गया, वन हु हैज टू एक्सेस रेयर वेबसाइट्स टू एक्सेस इट, नहीं कुछ मिस्टेक हो गया, वन हैज टू एक्सेस रेयर वेबसाइट्स टू एक्सेस इट, दैट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज, अब ये तो हमारे टाइपिस्ट अंडरलाइन किए नहीं है लेकिन मुझे यही लग रहा है ये बोल्ड हुआ है, यानी आपको इनएक्सेसिबल का मीनिंग इनमें से सेलेक्ट करना है। तो आप कॉमेंट करके बता दें कि इनएक्सेसिबल का मीनिंग इनमें से कौन है। तो इनएक्सेसिबल अपने आप में एडजेक्टिव है, बना किससे? तो एक्सेस से। एक्सेस शब्द वर्ब का भी काम करता है और एक्सेस नाउन का भी काम करता है। एक्सेस मीन्स होता है पहुंचना, वर्ब हो गया, और एक्सेस मीन्स पहुंच, गद्दी इत्यादि तक पहुंचने के लिए भी एक्सेस का यूज होता है। तो पहुंच या पहुंचना नाउन या वर्ब के रूप में हम इसका यूज करते हैं। अब एक्सेस से एडजेक्टिव बनाएंगे तो एक्सेसिबल होगा, यानी जहां पहुंचा जा सके, या वह क्षेत्र, वह स्थान जो पहुंच के भीतर हो, पहुंच के योग्य हो। अब हम इसका अपोजिट करते हैं, तो इसके पहले हम इन प्रीफिक्स लगा देंगे, यह बन जाएगा इन एक्सेसिबल, यानी जो पहुंच से बाहर हो, जहां पहुंचा न जा सके। तो दैट कैन नॉट बी रीच्ड या दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड,
आंसर सी होगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दैत विच एक साथ कैसे आ गया। जी हाँ, आ जाएगा। ऐसे में जो दैत है वह एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है और विच रिलेटिव प्रोनाउन है और तब इनका यूज एक साथ होता है। 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड और स्टडीज स्टैम्प्स, वह व्यक्ति जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है और स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं। ए में फिलैंथ्रोपिस्ट, बी पियानिस्ट, सी पायनियर एंड डी फिलैटेलिस्ट। फिलैटेलिस्ट आंसर क्या होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है वह जो मानव हित में कार्य करे, कल्याणकारी कार्य जो मनुष्यों के हित में करे उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, परोपकारी व्यक्ति। पियानिस्ट मतलब होता है पियानो वादक, वन हु प्लेज द पियानो इज कॉल्ड पियानिस्ट। एंड पायनियर जो किसी चीज की शुरुआत करता है, जो प्रथम अन्वेषक होता है, जो खोज करता है उस चीज की, उसे हम पायनियर कहते हैं। इसे हम जनक भी कह सकते हैं, फादर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिलैटेलिस्ट और यही आंसर होगा। इसे हम हिंदी में कहते हैं डाक टिकट संग्राहक, डाक टिकट का संग्रहण करने वाला, संग्रहण और अध्ययन करने वाला संग्राहक, डाक टिकट संग्राहक। आंसर 11 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पीपल एट अ रिलीजियस गैदरिंग, पीपल एट अ रिलीजियस गैदरिंग को क्या कहेंगे। आप जानते हैं पीपल लोग और रिलीजियस गैदरिंग यानी धार्मिक भीड़भाड़। तो धार्मिक भीड़भाड़ में जुटे लोगों को क्या कहेंगे। ए क्राउड, बी मॉब, सी रैबल एंड डी कॉन्ग्रेगेशन। सब तो भीड़ ही है, सब भीड़ ही है। क्राउड मीन्स सामान्य भीड़, मॉब मीन्स उग्र भीड़ जो तोड़ फोड़ मचा रही है, आगजनी कर रही है, कुछ उपद्रव कर रही है, उस भीड़ को हम मॉब कहते हैं। रैबल बेतरतीब भीड़, वह भीड़ जिसका कोई प्रॉपर पर्पस ना हो और बकवास टाइप का, एकदम कोई तौर तरीका नहीं, इस तरह की बेतरतीब भीड़ को हम रैबल कहते हैं। और कॉन्ग्रेगेशन मीन्स होता है पुजारियों का जमघट, धार्मिक लोगों का जमघट। जैसे जब लोग स्नान करने जाते हैं, कुंभ के मेले में जाते हैं, वे कॉन्ग्रेगेशन में होते हैं, या नमाज अदा करने वाले जो लोग होते हैं एक साथ देखेंगे बहुत सारे बैठ के नमाज अदा कर रहे होते हैं, उन्हें भी हम कॉन्ग्रेगेशन कहेंगे। सावन के महीने में शिव जी के मंदिर में देखिए लोगों की लाइन लग जाती है, वो भी कॉन्ग्रेगेशन है। धार्मिक लोगों के भीड़ को हम कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, एडिबल मीन्स दैट विच। अब यहाँ एक्सप्लेन्ड पार्ट दे दिया गया और आपको वन वर्ड सेलेक्ट करना है, क्या मीनिंग होगा एडिबल का। एडिबल मीन्स दैट विच। अब बताएं कि एडिबल का मीनिंग क्या होगा। कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसे डिलीट न किया जा सके। कैन बी एडिटेड, जिसे एडिट किया जा सके। इज एडिफाइंग, जो नैतिक उन्नति कराने वाला हो। और इज वर्थ ईटिंग, तो एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य, दैट इज फिट फॉर ईटिंग इज कॉल्ड एडिबल। तो आंसर 13 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस। ए कार्डियोलॉजी, बी ऑस्टियोपैथी, सी पेडियाट्रिक्स एंड डी मॉर्फोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन, स्टडी ऑफ हार्ट डिजीजेस, आप स्टडी ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं कार्डियोलॉजी। ऑस्टियोपैथी, आजकल आप लोग देखते होंगे इंस्टा वगैरह पे, फेसबुक पे, कि ऐसे नस वगैरह दबा करके और इलाज किया जा रहा है। और एक होता है एक्यूप्रेशर, वो अलग चीज है। ऑस्टियोपैथी में मालिश करके और रोग को ठीक कर दिया जाता है।
फिर है पेडियाट्रिक्स, आंसर आपका यही होगा पेडियाट्रिक्स। देखिए यहाँ दिया है सी, पेडियाट्रिक्स मीन्स होता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ द डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन और इन्फेंट्स। तो 14 का आंसर सी होगा। एंड मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है आकृति विज्ञान, ऑस्टियोपैथी का हिंदी दिया हुआ है अस्थि रोग विज्ञानी। ऑस्टियोपैथी का मैंने आपको अर्थ समझा दिया है, मालिश वगैरह करके नसों को दबा करके जो विधि है रोग ठीक करने की, उस विधि को ही हम ऑस्टियोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, वह जो थकने योग्य न हो, यानी वह जो थके ही नहीं, वह जिसमें थकने का गुण ही न हो, उसे क्या कहें? ए अनटायरिंग, बी अनविंसिबल, सी टायरलेस एंड डी इनडिफैटिगेबल। आंसर देना है आपको अनटायरिंग, इनविंसिबल, टायरलेस एंड इनडिफैटिगेबल। अब अनटायरिंग जो है इसका अर्थ अथक होगा, एक और शब्द है टायरलेस, इसका अर्थ भी अथक होगा, लेकिन इन दोनों का प्रयोग हम एफर्ट्स के लिए करते हैं, अनटायरिंग एफर्ट्स, टायरलेस एफर्ट्स, यानी अथक प्रयास। लेकिन यहां बताना है वह व्यक्ति जो थके नहीं, यानी जिसमें ऊर्जा अपरिमित होगी, वही नहीं थकेगा। तो इनडिफैटिगेबल यानी जिसमें ऊर्जा बहुत अधिक है, और इतनी ऊर्जा है जो एग्जॉस्ट ही नहीं करती है, ऊर्जा उसकी क्षीण नहीं होती है और वह नहीं थकता है, इसलिए आंसर डी होगा इनडिफैटिगेबल। इनविंसिबल मीन्स अजेय होता है, यानी जिस पर विजय नहीं पाया जा सका हो, जो कभी हारा ना हो, उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। और जो कभी हारे नहीं, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड इज कॉल्ड इनविंसिबल, वन हु हैज नेवर बीन डिफीटेड इज कॉल्ड इनविंसिबल। 15 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, आंसर देंगे गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। पिछले क्लास में भी गवर्नमेंट से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, बहुत लोग गवर्नमेंट कहते हैं, बहुत लोग कुछ और पढ़ते हैं, आप इसका सही उच्चारण करें गवर्नमेंट, 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 मंट पढ़ना है गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, यानी अमीरों की सरकार, अमीरों के द्वारा शासित सरकार, एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र, समाज में जो अभिजात वर्ग है, जो अच्छे लोग हैं, उनके समूह को हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और इनकी सरकार को भी हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही यानी गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र यानी अमीरों का तंत्र। एंथियोक्रेसी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि गवर्नमेंट बाय गॉड्स, देवी देवताओं की सरकार, ईश तंत्र कहते हैं। धार्मिक लोगों की सरकार को भी हम थियोक्रेसी कहते हैं। 16 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, कल के क्लास में भी इस पर चर्चा हुई है, इतना इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं। मैं फिर से सजेस्ट करूं आप लोगों को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले लोग हैं, इस तरह के क्लास जिसमें एक सेकंड में जाया नहीं करता, यानी एक सेकंड में अपने स्टूडेंट्स का बर्बाद नहीं करता हूं, इधर उधर की बात में नहीं ले जाता आपका समय, आप ऐसे वीडियोज़ को बहुत यूज में आप ले सकते हैं। ईयरफोन कान में लगाएं और सुनते रहें, जब समय मिले तब सुन लें, सुनते सुनते याद हो जाएगा। जब टाइम हो तो थोड़ा स्क्रीन पर भी देखें, क्योंकि स्क्रीन पर देखने से स्पेलिंग भी आपको मेमोराइज हो जाता है। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, यानी काम ना के बराबर पैसा भरपूर, इसे हम सिनेक्यूआ कहते हैं, जो कि बी में दिया हुआ है। ऑनररी है, अवैध माननीय नहीं, ये ठीक है, लेकिन यहाँ जिस सेंस में यूज किया जा रहा है उसे हम अवैतनिक कहेंगे। जब विदाउट पेमेंट कोई सेवा देता है तो उस सेवा को हम, उसके जॉब को हम ऑनररी कहते हैं। अवैतनिक यानी बिना सैलरी के, बिना पेमेंट के। सिनेक्यो यानी आराम की नौकरी, काम ना के बराबर और पैसा अच्छा खासा, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी,
जबकि काम ना के बराबर को हम सिनेक्यूर कहते हैं। ग्रेटिस मीन्स होता है निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेटिस एन एक्स ऑफिसियो पद के अनुसार इसे हम पदेन भी कहते हैं, पदेन। तो आंसर 17 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, वह जो किसी भी विषय में वेल वर्स्ड है यानी निपुण है। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट, किसी भी आर्ट का क्रिटिकल जज है यानी समालोचनात्मक उसका विश्लेषण करता है। और पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स, खास तौर पर फाइन आर्ट्स के जज को हम क्या कहते हैं कि जानकारी रखने वाले को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने, ए वेटरन, बी फिलिस्टाइन, सी डिलेटेंट एंड डी कनोइसर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन खानसा, खानसा। तो आप आंसर देंगे वेटरन है, फिलिस्टाइन है, डिलेटेंट है और कनोइसर है। वेटरन मीन्स होता है वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास लंबा अनुभव हो किसी चीज का उसे हम वेटरन कहते हैं। जो गांव के बच्चे हैं, जो गांव से जुड़े हुए हैं, वे इस शब्द को सुने होंगे, या वैसे छोटे मोटे शहर जहां गांव के लोग ज्यादा हैं वहां भी इस शब्द को सुनने को मिलता है। लोग बोलते हैं कि तो बड़ा भेटनर हो, बड़ा भेटनर हो, यही शब्द है, भेटनर नहीं है। कहना होता है लोगों को वेटरन, लेकिन अपभ्रंश हो गया है, बिगड़ चुका है, प्रोनाउंसिएशन पकड़ में नहीं आया लोगों को, तो लोग वेटरन को भेटनर कहने लगे। वही जो भेटनर आप सुने हुए हो वही है वेटरन, जिसके पास लंबा अनुभव हो, वह जो काफी आप माहिर कह सकते हैं, माहिर अनुभवी कह सकते हैं, दीर्घानुभवी यानी जिसके पास दीर्घ अनुभव हो। फिलिस्टाइन मतलब अशिक्षित, जिसमें न कला हो, जिसमें न शिक्षा हो, जिसमें न कोई ज्ञान हो, वह फिलिस्टाइन होता है, जो ना आर्ट की कदर करे, जो ना लिटरेचर की कदर करे, जो ना म्यूजिक की कदर करे, उसे हम कहते हैं फिलिस्टाइन। एक संस्कृत में श्लोक था, ये शांग न विद्या न तपो न दानं, न चापि श्रीलंग न गुणो न धर्म, ये मर्त्यलोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। यही वो लोग हैं फिलिस्टाइन, इनमें न यश है, न तप है, न विद्या है, न दान है, न कला की पहचान है, न कला की परख है। ऐसे ही लोगों को इंग्लिश में हम एक शब्द में फिलिस्टाइन कहते हैं। सी में है डिलेटेंट, अनुरागी, जो किसी चीज के प्रति अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, लगाव रखता है। और खानसा मीन्स होता है गुण ग्राहक, गुणज्ञ, पारखी, विशेषज्ञ, कला पारखी। तो 18 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू बोथ प्लीजर एंड पेन, वह व्यक्ति जो पेन और प्लीजर दोनों के प्रति इंडिफरेंट हो, दोनों के प्रति उदासीन हो, न्यूट्रल हो, जिसे न पेन से फर्क पड़े और न प्लेजर से फर्क पड़े, जो न सुख मिलने पर बहुत खुश हो जाए और जो न जीवन में दुख आने पर अपार दुख में डूब जाए, उसे क्या कहते हैं। ए में सेंट है, बी में एस्थेटिक है, सी में स्टॉइक है और डी में हर्मिट है। तो ए सेंट, सेंट मीन्स होता है वह जिसका जीवन सादा हो, साधु, सन्यासी, यानी जिसका जीवन सरल हो, जिसका जीवन सादा हो, उसे हम सेंट कहते हैं। एस्थेटिक मीन्स तपस्वी, जो तपस्या में लगा हुआ है। स्टोइक मीन्स वैरागी, यानी जो वैराग्य को धारण कर लिया है, शायद वैरागी नहीं वैरागी होता है, वैरागी, जिसने वैराग्य को धारण कर लिया है। और हर्मिट मीन्स होता है एकांतवासी, एकांतवासी जो अकेले रहना पसंद करता है कुटिया में, वह हर्मिट कहलाता है। तो आंसर स्टोइक होगा वैरागी, 19 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, इसमें आप मर्डर वाले कुछ शब्द सीखने जा रहे हैं। चार ऑप्शन है, भाई की हत्या को क्या कहते हैं। ए है पैट्रिसाइड, बी है रेजिसाइड, सी है होमिसाइड और डी है फ्रैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड नाम से भी इसमें सेंस मिल जाता है, ये ऐसे शब्द हैं जो नाम में ही सेंस रखते हैं, आपको थोड़ी सी तीक्ष्ण दृष्टि करनी है पकड़ लेंगे आप। पैट्रिसाइड मीन्स होता है पितृहत्या, मैट्रिसाइड मीन्स होता है मातृहत्या।
रेजिसाइड मीन्स राजा की हत्या, राज हत्या कहें, राजा या रानी दोनों की हत्या, शासक की हत्या को हम रेजिसाइड कहते हैं। होमिसाइड मानव हत्या, नरसंहार होमिसाइड, और फ्रैट्रिसाइड भाई या बहन दोनों की हत्या। भाई की हत्या हो तब भी आप फ्रैट्रिसाइड यूज करें, बहन के लिए भी, हालांकि सोरोरी साइड बहन के लिए स्पेशल होता है, सोरोरी साइड बहन के लिए स्पेशल है। भगिनी हत्या, बहन को संस्कृत में भगिनी कहते हैं, भगिन्याह, भगिनी की, तो भगिनी के लिए हम भी फ्रैट्रिसाइड का ही यूज करते हैं बहन के लिए। 21 मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल, मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल, आर्टिकल चुरा लेने की तीव्र इच्छा, मैनिया मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर, इट इज अ काइंड ऑफ मैडनेस, मैनिया इज अ काइंड ऑफ मैडनेस, एक तरह का पागलपन है यह, और इसमें एक्सेसिव और एक्सट्रीम डिजायर होता है किसी के अंदर उस कार्य को कर जाने की, जैसे है यहाँ मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल, आर्टिकल को चुरा लेने की मैनिया, तो लोगो मैनिया मीन्स होता है बहुत ज्यादा बात करने की तीव्र इच्छा, यानी बोलते रहने की तीव्र इच्छा, कहीं कहीं वर्ड्स के कलेक्शन के लिए भी लोगोमैनिया का यूज होता है, लेकिन टॉकेटिवनेस के लिए हम यूज करेंगे लोगोमैनिया का। अगला वर्ड है निम्फोमैनिया, एक्सेसिव डिजायर, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर फाउंड इन अ वुमन, किसी वुमन के अंदर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो तो उसे निम्फ कहते हैं, और यह मैनिया निम्फोमैनिया है। सी है क्लेप्टोमैनिया, एक्सेसिव डिजायर फॉर स्टीलिंग, चोरी करने की तीव्र इच्छा, सामान चुरा लेने की तीव्र इच्छा, क्लेप्टोमैनिया है। और वर्ड है हिप्पोमैनिया, यह एक तरह का पागलपन है, इट इज अ काइंड ऑफ मैडनेस, जिसमें लोग खाना खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मुझे खाना कितना है, उनकी जो भी एक्टिविटी होती है वो हाइपर हो जाती है इसके अंतर्गत। तो 21 का आंसर मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल, चोरियों माद कहते हैं एक शब्द में। तो अच्छा एक और बताऊं आपको, लोगो मैनिया को आप लगौरिया भी कह सकते हैं, लोगो मैनिया को आप लगौरिया भी कह सकते हैं, उसे भी याद करेंगे, दोनों सिनोनिम है। तो आंसर होगा क्लेप्टोमैनिया, 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, मेंटल वियरीनेस फॉर वॉन्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, मेंटल वियरीनेस फॉर वॉन्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी काम की कमी के कारण मानसिक थकान को क्या कहें, ए फटिग, बी ऑनई, इसके प्रोनाउंसिएशन में भी लोग मिस्टेक करते हैं, इसको आपको पढ़ना है ऑनई ऑनई, सी लैंग्वर एंड डी डेबिलिटी, चार ऑप्शन है, ए फैटिग है, बी ऑनई, सी लैंग्वर एंड डी डेबिलिटी, तो इसे हम ऑनई कहते हैं, ऑनई, विरक्ति या ग्रानी, मानसिक थकान, काम नहीं होने से जो एक उबन सी होती है, एक ग्रानी जो फीलिंग आती है, उसे हम ऑनई कहते हैं। फैटिग शारीरिक थकान के लिए, इसका सिनोनिम क्या होगा, आप सभी कॉमेंट करें, फैटिग का सिनोनिम क्या होगा। अगला वर्ड लैंगुआ है शिथिलता, यानी लेथार्जी है, स्लगिसनेस है लैंगुआ, और डेबिलिटी दुर्बलता है, शारीरिक दुर्बलता को हम डेबिलिटी कहते हैं, डेबिलिटेट इसका वर्ब हो जाता है। तो फैटिग के लिए आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं वियरीनेस, एग्जॉशन भी यूज कर सकते हैं, वियरीनेस सबसे क्लोज सिनोनिम होगा। तो 22 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मैनिया फॉर ट्रैवल, फिर आपको कुछ वर्ड मिलने जा रहे हैं मैनिया फॉर, मैनिया पर आप इन्हें याद करेंगे, जितना वर्ड बता दे रहा हूं ये काफी होंगे, आप प्रत्येक दिन ये वर्ड को नोट करें। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि वर्ड नोट करने के लिए आपको YouTube के वीडियो पर नहीं आना पड़ेगा, आप ऐप में जाएं, वहां सब कुछ लिखा हुआ है एकदम, आप आसानी से वहां से नोट कर सकते हैं, सेम चीज अपलोड किया जाता है PDF फॉर्म में। मैनिया फॉर ट्रैवल, ड्रोमोमैनिया, पायरोमैनिया, बिब्लियोमैनिया एंड लोगोमैनिया। ड्रोमोमैनिया यानी ट्रैवल करने की तीव्र इच्छा, यहाँ वहां घूमते रहने की तीव्र इच्छा। पायरोमैनिया मतलब होता है आग लगाने की तीव्र इच्छा, एक्सेसिव डिजायर फॉर सेटिंग फायर,
आग लगाने की तीव्र इच्छा, अगला बिब्लियोमैनिया है, एक्सेसिव डिजायर फॉर रीडिंग बुक्स और कलेक्टिंग बुक्स, एंड लोगोमैनिया पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, मैनिया फॉर टॉकिंग। तो ड्रोमोमैनिया होगा मैनिया फॉर ट्रैवल, वो हम ड्रोमोमैनिया कहते हैं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, वह व्यक्ति जो सर्टेन प्लेस में लीव करता है उसे क्या कहते हैं, ए नेटिव, बी रेजिडेंट, सी डोमिसाइल एंड डी सब्जेक्ट। तो आप आंसर देंगे क्या होगा, नेटिव मतलब देशी होता है, स्वदेशी होता है, रेजिडेंट मींस निवासी, जहां कोई रहता है वह वहां का रेजिडेंट है, और डोमिसाइल मींस होता है अस्थाई निवास भी और स्थाई निवासी भी, दोनों अर्थों में हम इसका यूज करते हैं। जो परमानेंट रेजिडेंट हैं उनके लिए डोमिसाइल का यूज होता है, इसलिए आंसर सी सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट मींस विषय, और अगर सब्जेक्ट का हम प्रजा लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां हम हमेशा सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, सब्जेक्ट्स लिखते हैं। तो 24 का आंसर सी होगा, और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। हम लोग सेट टू के आधे क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस को कवर कर लिए, कल के क्लास में रिमेनिंग 50% क्वेश्चंस 24 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें मैं कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो को शेयर खूब करें, बहुत सारे लोगों तक इसे आप पहुंचाएं, आप मेरे साथ रोज लाइव में जुड़ें, अन्य लोगों को भी जुड़ने की सूचना दें। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।